जिले के मारुगढ़ की बेटी के साथ गैंगरेप का मामला थमा ही नहीं था। उसी गांव की एक बेटी मनचलों की छेड़छाड़ से तंग आकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि मारुगढ़ में गैंगरेप की घटना में आरोपियों का खुलासा करने में पुलिस अब तक नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में गाँव की एक और बेटी के साथ दो मनचले छेड़खानी कर रहे हैं। इसी बात पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। परेशान कर रहे हो? एक राजेश नाम का लड़का है, मेटावल का रहने वाला, उस पिता का नाम अमर है। ये मुझे परेशान, मैं किधर भी जाती थी मेरा छेड़छाड़ करता था और बहुत परेशान कर दिया है। फिर मैं जहाँ मेरी बात हुई थी वहाँ मेरे बारे में बहुत गंदा गंदा बोला और फिर मैं थाने में गई थी रिपोर्ट कराने। रिपोर्ट कर भी ली फिर उसको जमानत क्या मालूम कैसे मिल गई, पैसे भर दिए उन्होंने और जमानत उसकी हो गई। फिर भी मेरे को परेशान, फिर जिस दिन जमानत हुई उस दिन मेरे घर आया और चाकू मारने की धमकी दी मेरे को कि तूने मेरी रिपोर्ट क्यों कराई। थाने में गए थे तो किस तरीके का व्यवहार हुआ आपके साथ? थाने में भी जाते हैं तो मैडम मारती, मेरे को मारा मैडम ने। कौन सी मैडम? प्रियंका झमले। अभी क्या चाहते हैं? अभी कुछ भी इनका करो, नहीं तो मैं कहीं भी कर लूँगी, नहीं तो मेरा कुछ भी, मैं मर जाऊँगी नहीं तो कहीं। आपने अभी पुलिस से शिकायत भी की? बताया, अभी आवेदन भी दिया हमने एसपी कार्यालय, पहले भी दिया था अभी भी दिया, पर कुछ नहीं हुआ। अभी उसके बाद भी वो वही हरकत, वही कर रहा है और परेशान कर दबाव बना रहे हैं, ऐसे छटने की बोल रहे हैं। उसकी मामी भी सारिका भाई जबरन बोलती है कि उसकी शादी कर, दबाव बनाती है और ब्लैकमेल भी करती है। शादी नहीं करने के लिए क्या दबाव बना रही, किससे शादी करना, नहीं मैं जान से मार दूंगी और मेरे परिवार वालों को भी मारने की धमकी दे रहे हैं उनके परिवार। आप क्या चाहते हो? उनको कड़ी से कड़ी सजा दी होनी चाहिए, नहीं तो मैं कुछ भी कर लूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे गाँव गाँव बदनाम कर दिया है इन्होंने। मारुगढ़ में एक घटना घटित हो चुकी है, उससे पहले का जो केस है हमारा उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो अभी घटना घटी है तो ये जो बच्ची हमारे साथ में आई है, जो कंप्लेन लिखाने गई थी थाने पे, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो आरोपी पक्ष है अब मेटावल से, राजेश पिता अमर और उनके जो दोस्त है भैयू दरियाव, उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करी है बच्ची के बारे में। आप सब इतने बोले कि बच्ची कभी घर से बाहर भी निकलती है तो लोग हंसते हैं और मुंह दिखाने के लायक बच्ची को छोड़ानी है। और जो आरोपी है खुलेआम अभी दो दिन उसको जमानत कैसे मिल गई और खुलेआम अभी धमकियाँ दी जा रहा है, इससे पहले भी एसपी कार्यालय में आवेदन दे चुके थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और थाना झिन्या में वहाँ पे भी आवेदन दे चुके हैं, प्रस्ताव भी वहाँ पे दिए हैं कि भैया इन लोगों का कुछ करो जो धमकियाँ दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी है। उसके बावजूद बच्ची अपनी शिकायत दर्ज कराने दूसरी बार गई थी, जैसे धमकियाँ मिल रही तो वहाँ पे जो टू स्टार मैडम है प्रियंका जमरे द्वारा बच्ची को मारकूट करी है और बच्ची पे दबाव मैडम बनाई जा रही है कि आप जो आरोपी है उससे शादी कर लो और मामला यहीं के यहीं सुलटा दो, आपको ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैडम का कहना ऐसा है कि बारिश आएगी तो आप कहाँ दौड़ोगे बार बार, तो ये आपका अधिकार नहीं है। अब बच्ची को आपने मारा तो कौन से अधिकार पर मारा? पीड़ित अपनी परेशानी दिखाने गई थी तो पीड़ित का सहयोग करना चाहिए प्रशासन ने, तो पीड़ित को आप उल्टा धमका रहे हो। तो हम यही चाहते हैं कि बच्ची को जो भी कार्रवाई हो बच्ची की तरफ से और बच्ची का पूरा प्रशासन सहयोग करे। जो भी मारुगढ़ की जो अभी घटना घटी थी ताज़ा, उसमें बच्ची को और बच्ची के घर वाले उनको अब ऐसा भय लगता है कि कल कदार वो घटना घटी और आरोपी खुलेआम घूम रहे, कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और ये तो 2 महीने पहले का पेंडिंग केस पड़ा है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो, लापरवाही बरती जा रही है। और इधर बच्ची को जान से मारने की धमकी और एसिड फेंकने की धमकी दे रहे हैं और जो आरोपी पक्ष है खुलेआम 2 नंबर का धंधा करता है, मुर्गा मटन वगैरह दारू वगैरह सब बेचता है मेटाल गांव में, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और जो उसकी मामी है सारिका भाई मारुगढ़ में बच्ची पे बार बार दबाव बनाती है, इनका आस पड़ोस का घर है, बच्ची का दबाव बनाती है और जान से मारने की धमकी देती है, किससे शादी करने, तेरे को इतना बदनाम कर दी कि किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे। तो प्रशासन से यही गहर लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और आरोपियों को जेल भेजें। बच्ची क्या लगती है आपको? बच्ची हमारे मासी की लड़की है, इन लोग कुछ भी नहीं बोलते, बहुत सीधे व्यक्ति है, इनको कुछ बोलते नहीं आता, इससे यानी प्रशासन जो वहाँ के पुलिस वाले हैं इनके खिलाफ और कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि इनको बोलते नहीं आता, सीधे लोग हैं। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।